मैं हूं आदित्य और आज हम बात करेंगे बीबीएल के मैच नंबर 30 जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन में होने वाला है कल की तारीख यानी 5 जनवरी को। वैसे तो बीबीएल के पिछले 2-3 मैच बहुत ही अजीब से बीते हैं, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे कि डेटा को बैक करें और डेटा के प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि एट द एंड हमारा प्रोसेस ही एक ऐसी चीज है जो हमें काम आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीम न्यूज की। टीम न्यूज ये है कि पीटर सिडल को रेस्ट दिया गया है, मैथ्यू शॉर्ट टीम का के कप्तान रहेंगे, कैमरन बॉयस और का कमबैक आगे हो गया है, मतलब वापस से टीम में आ गए हैं जेक विदराल के साथ। जेक विदराल कुछ फॉर्म में फिलहाल तो नहीं है, पर उनके आप अभी वेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही अच्छे हैं। और शादाब खान चले गए हैं वापस, वो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, और जैक क्रॉली जो है वो टीम में वापस आ गए हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जरा सा इनके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में कि इनका रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो हरिकेन जो है उन्होंने पिछले 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं, स्ट्राइकर ने पिछले 5 मैच में से केवल 1 मैच जीता है, वो 4 मैच हारे हैं। और जो एडलेट स्ट्राइकर वर्सेस होबार्ट हरिकेन का आखिरी मैच हुआ था, मतलब कि जो इन दोनों का जो लास्ट मैच हुआ वो भी एक दूसरे के अपोजिट हुआ 2 मैच पहले, 2 दिन पहले, तो वो भी होबार्ट ने ही जीता था, होबार्ट हरिकेन ने जीता था। तो इसमें अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो एडलेट की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट ने 38 रन 38 रन बनाए थे, क्रिस लिन ने 87 रन बनाए थे 87 रन, और कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो कि इन फॉर्म चल रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको पॉइंट दे के जा रहे हैं, कभी विकेट ले ले रहे हैं तो कभी रन बना दे रहे हैं, तो उन्होंने 30 रन बनाए थे। पीटर सिडल की बात करें तो 1 विकेट लिया, राशिद खान ने 1 विकेट लिया, वेस अगर ने 1 विकेट लिया। फिर होबार्ट हरिकेन की बात करते हैं तो ज्वेल ने जो है 54 रन बना दिए थे, और इस वजह से शायद ये इस बार बहुत लोगों की टीम में रहने वाले हैं, पर मैं इनको हिट और मिस मानता हूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको अपनी टीम में ना रखें। फिर बेन मैकडॉर्मेट की बात करें तो उन्होंने 53 रन बनाए थे, आप इनका भी आगे का रिकॉर्ड देखिएगा, काफी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं ये, डिफरेंशियल पिक में भी हो सकते हैं और डिफरेंशियल कैप्टन भी हो सकते हैं। फिर डी शॉर्ट की बात करें तो उन्होंने हरिकेन की तरफ से 27 रन बनाए, टिम डेविड ने 27 रन बनाए, डूली ने 1 विकेट लिया, मेरेडिथ ने 1 विकेट लिया, ओवेन ने 1 विकेट लिया और नाथन एलिस ने 1 विकेट लिया। तो नाथन एलिस यहाँ इस मैच के हरिकेन की तरफ से टॉप विकेट टेकर थे। फिर एडिलेड के ही मैच की बात करते हैं जो कि इसका सेकंड लास्ट मैच था अगेंस्ट मेलबर्न स्टार, तो उसमें क्रिस लिन ने 21 रन बनाए, हेनरी हंट ने 49 रन बनाए, एडम होज ने 56 रन बनाए, राशिद खान जो है वो अंत में आके उन्होंने अच्छा नॉक खेला था, 24 रन बनाए। तो ये मैच मेलबर्न जीत गई थी हालांकि, और वेस अगर ने इनकी तरफ से 3 विकेट लिए, थॉर्टन ने 2 विकेट लिए। थॉर्टन पे हम थोड़ी नजर रखेंगे, क्रिस लिन पे भी नजर रखेंगे, क्योंकि ये हालिया में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, तो टीम के लिए लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पॉइंट देके जा रहे हैं। फिर एडिलेड स्ट्राइकर का जो अभी से थर्ड लास्ट मैच था, लास्ट 3 मैचेस की हम बात करें तो पर्थ के विरोध में था, विरुद्ध था, और पर्थ ये मैच जीत गई थी। इसमें फिर से क्रिस लिन ने 35 रन बनाए, कॉलिन डी ग्रैंडहोम को देखिए उन्होंने 19 रन बनाए, एडम होज 18 रन, टिम कैली ये भी अभी बाद में आके मारे थे तो ये भी 18 रन बनाए। फिर मैथ्यू शॉर्ट ने 2 विकेट लिया, मैथ्यू शॉर्ट यहाँ पे विकेट ले ले रहा है, मैथ्यू शॉर्ट जो है कहीं पे मौका पाके रन बना दे रहा है, तो कुछ ना कुछ मैथ्यू शॉर्ट एक बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। फिर राशिद खान को 1 विकेट मिला, कॉलिन डी ग्रैंडहोम को 1 विकेट मिला, 19 रन प्लस 1 विकेट, और बी मैन एंटी को 1 विकेट मिला। फिर हम होबार्ट हरिकेन की बात करते हैं, हम होबार्ट हरिकेन के सेकंड लास्ट मैच की बात करते हैं, ये थंडर्स के अगेंस्ट हुआ था जो कि सिडनी थंडर्स ने ही जीत लिया था। हाँ, तो इसमें से मैथ्यू वेड ने बनाए 67 रन, टिम डेविड ने बनाए 25 रन, ज्वेल ने बनाए 20 रन, और नाथन एलिस को देखिए, नाथन एलिस ने यहाँ पे 4 विकेट लिए और आर मेरेडिथ ने 2 विकेट लिए। नाथन एलिस ने जो इनका लास्ट मैच हुआ था उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था, 2 विकेट लिए थे, मेरेडिथ ने भी 1 विकेट लिए थे, तो नाथन एलिस और मेरेडिथ जो है लगातार अभी विकेट ले रहे हैं इनकी तरफ से। फिर इनकी बात करते हैं हम होबार्ट हरिकेन का मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ जो मैच होता है, यानी कि जो अभी से 3 मैच पहले का जो मैच था इनकी टीम का, वो होबार्ट हरिकेन जीत गई थी। इसमें निशम ने खेल रहे थे, निशम ने 28 रन बनाए, नाथन एलिस ने अब की बार बॉलिंग नहीं की तो उन्होंने 21 रन बना दिया आके बाद में। मेरेडिथ को देखिए 3 विकेट मिले, शादाब खान को 3 विकेट मिले, शादाब खान हालांकि खेलेंगे नहीं, जोल पेरिस को 2 विकेट मिले, पीटर डूली को 2 विकेट मिले। अभी पीटर डूली जब स्टार्टिंग में आए थे तो सभी उनसे थोड़ा सा डर रहे थे क्योंकि उनका एक्शन अजीब सा है, पर लास्ट मैच में शायद विकेट लेस गए हैं, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ग्राउंड के हिसाब से और लोग उनके एक्शन को समझने लगे हैं, तो ये सीजन खत्म होते होते मिस्ट्री बॉलर नहीं रह जाएंगे। अभी बात करते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड लास्ट 3 ईयर्स की, तो हेड टू हेड में इन्होंने स्ट्राइकर्स ने जीते हैं 7 मैच, हरिकेन ने जीते हैं 6 मैच, और एवरेज विकेट जो हरिकेन का गिरा है वो 5.31 गिरा है, स्ट्राइकर का 5.15 गिरा है, यानी 5-5 विकेट गिर रहे हैं।
लास्ट 5 मैच में से हैरी केन ने 2 जीते हैं, स्ट्राइकर ने 3 जीते हैं, और ये स्ट्राइकर का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा ग्राउंड भी है, तो कह सकते हैं कि स्ट्राइकर इस मैच की फेवरेट रहने वाली है। अब हेड टू हेड इनके बैटिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो हैरी केन की तरफ से डी शॉर्ट ने 14 मैच खेले हैं और 653 रन बनाए हैं, 72.56 का एवरेज है, बहुत ही अच्छा एवरेज रहा है। फिर स्ट्राइकर्स की तरफ से क्रिस लिन ने 14 मैच में 542 रन बनाए हैं और जिसका एवरेज 60.22 का एवरेज रहा है। फिर हैरी केन की तरफ से मैथ्यू वेट को देखिए, मैथ्यू वेट ने 14 रन बनाए हैं 374 14 मैच में, 374 रन बनाए 46.75 के एवरेज से। फिर जे विदराल आते हैं, 13 मैच 424 रन 42.4 का एवरेज, वापस आ गए हैं टीम में। फिलहाल परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो है, पर हेड टू हेड भी काफी अच्छा है, वेन्यू भी काफी अच्छा है, तो हम इन पे रिस्क ले सकते हैं इनको एक डिफरेंशियल की तरह खिलाने का। फिर टीम डेविड आ जाते हैं, डेविड ने जो है 7 मैच खेले हैं और 127 रन है 42.33 के एवरेज से। फिर स्ट्राइकर की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट आते हैं, 8 मैच खेले हैं 253 रन बनाए हैं। फिर बेन मैकडॉर्मेंट आते हैं, बेन मैकडॉर्मेंट आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे क्योंकि बेन मैकडॉर्मेंट जो है 388 रन बनाए हैं 34.27 के एवरेज से, और ये आपको कहीं ना कहीं से, मतलब कि फर्स्ट इनिंग खिला लो आप, सेकंड इनिंग खिला लो, आपको ये पॉइंट दे करके जा रहे हैं, तो ये एक डिफरेंशियल पिक, काफी अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं आपके लिए अगर आप बेन मैकडॉर्मेंट को कंसीडर करते हैं अपनी टीम में। फिर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो अगर हम बॉलिंग की बात करेंगे तो बॉलिंग में हेड टू हेड में राशिद खान ने 11 मैच खेले हैं 10 विकेट लिए। राशिद खान के लिए सीजन उतना बेहतरीन नहीं जा रहा है जितना ये जाया करता था, क्योंकि ये गुच्छे गुच्छे में विकेट लेने वाले बॉलर हैं, फिलहाल 1-2 विकेट से काम चला रहे हैं, लास्ट मैच भी खेल रहे हैं कल अपना ये, तो अगर लास्ट मैच खेलेंगे ये तो उम्मीद इनसे हम ये कर सकते हैं कि अच्छा, ये बेन मैकडॉर्मेंट जो है हैरी केन के बैट्समैन है, तो वो लिखना मैं भूल गया था, हाँ, तो राशिद खान से उम्मीद कर सकते हैं कि इन्होंने अभी तक बीबीएल में लिए हैं टोटल 98 विकेट्स। अभी कल अगर ये 2 विकेट ले लेते तो इनके 100 विकेट हो जाएंगे, इस सीजन का इनका ये आखिरी मैच भी है, तो देखिए हो सकता है कल आपके लिए बहुत ही अच्छी पिक हो सकते हैं। अब स्ट्राइकर की बात करें तो स्ट्राइकर में अगले बॉलर है हमारे वेस अगर, 8 मैच में 9 विकेट लिया है। तो हैरी केन से की तरफ से नाथन एलिस की स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी, 6 मैच में 9 विकेट काफी बढ़िया है, और मेरिड हैरी केन की तरफ से आर मेरिडिस जो है 8 मैच में 9 विकेट, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, पर इन बॉलर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके सिवाय हमारे एक बॉलर और हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा जब हम वेन्यू पे की बात करेंगे, वो इस सीजन के लीडिंग विकेट टेकर हैं, तो हेनरी थॉर्टन अभी उनका नाम है, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं जरा इस ग्राउंड के बारे में जहां पे कल हो रहा है, तो ये एडिलेड का होम ग्राउंड है, एडिलेड ओवल नाम से आप समझ सकते हो। इस ग्राउंड कैसा है, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, पेस फ्रेंडली ग्राउंड है, पेस को विकेट मिलता है, बैट्समैन अगर टिक्के खेले तो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, और फर्स्ट बैटिंग को फायदा मिलता है, क्योंकि क्यों फायदा मिलता है, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग करते हुए 62% मैच जीता है, एवरेज 161 का ही है, पर 62% मैच जीतती है जो कि पहली बैटिंग करती है। विकेट स्प्रेड की बात कर लेते हैं तो पेस को 202 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 110 विकेट मिले, तो राशिद खान जैसे बॉलर हो गया अलग, मतलब कि इरेस्पेक्टिव ऑफ पिच ये बॉलिंग करते हैं, इनको अपनी कला से ही विकेट गिरा देते हैं, तो आप इन जैसे बॉलर को कंसीडर कर सकते हो, वरना विकेट ज्यादातर पेसर्स को ही मिलेगा। अब स्ट्राइकर की बात करें तो जैसे मैं बोला था कि स्ट्राइकर फेवरेट इसलिए क्योंकि ये पिछले 5 में से 4 मैच इस ग्राउंड में जीत चुकी है, तो काफी अच्छा मैच रहने वाला है कल का, आपस में दोनों टीमों में बहुत ही मतलब कड़ी टक्कर रही है, 6-7 मैच ऐसे ऐसे करके पिछले 3 सालों में इन्होंने जीते हैं, बराबर के ही मैच जीते हैं, तो कल स्ट्राइकर फेवरेट रहेगी, एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। पर अब जरा बात कर लेते हैं हम परफॉर्मेंस एट वेन्यू की, तो स्ट्राइकर्स की तरफ से एडम होज ने 3 मैच खेले हैं 124 रन बनाए हैं, 124 का एवरेज है क्योंकि ये नॉट आउट गए हैं, ठीक है। फिर मैथ्यू वेट की बात कर लेते हैं, उन्होंने 5 मैच में 215 रन बनाए, 107.5 का एवरेज है, ये भी नॉट आउट जा चले गए हैं सर में, तो इनका एवरेज ऐसा दिखा रहा है। फिर हैरी केन की तरफ से डी शॉर्ट है, 6 मैच 277 रन, बहुत ही अच्छा रन है, 92.33 का एवरेज है। फिर स्ट्राइकर की तरफ से आप ये देखिए, जैक विदराल्ट 42 मैच 1109 रन 28.81 का एवरेज है, पर ये आप रन देखिए, 28.81 भी एवरेज T20 के हिसाब से मैं ठीक ही मानता हूँ। अब इनके रन देखिए, बहुत ही अच्छा रन है, होम ग्राउंड है इनका, यही खेलना पसंद करते हैं, फिलहाल आसपास के फॉर्म को अगर हम थोड़ा सा कंसीडर ना करें, वापस से टीम में शायद इसीलिए लिया गया है क्योंकि इनका हेड टू हेड भी बहुत अच्छा है और ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए खेलेंगे, इनका खेलना कलता है
और आप इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। फिर स्ट्राइकर की तरफ से आते हैं हमारे क्रिस लिन, सीजन T20 प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पे भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, फिलहाल पूरे बीबीएल में छाए हुए हैं। अब आते हैं स्ट्राइकर की तरफ से एम शॉर्ट, तो एम शॉर्ट देखिए 24 रन, 24 मैच खेले, 605 रन बनाए वेन्यू पे, 28.81 का एवरेज है, वेन्यू को पसंद करते हैं। और ये आपके एक बहुत ही अच्छे कप्तान हो सकते हैं, क्योंकि ये विकेट भी जाएंगे, एक दो दो ओवर ही कराएंगे कराएंगे तो 2 ओवर कराएंगे और ये विकेट भी लेकर के जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। अब वेन्यू पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो राशिद खान, बात में कर ही रहा था इनकी, 32 मैच 48 विकेट, 2 विकेट और ले लेंगे तो इनके 50 विकेट वेन्यू के पूरे हो जाएंगे, प्लस इनके 100 विकेट बीपीएल के पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं राशिद खान से कल बहुत अच्छी विकेट्स की। फिर आते हैं स्ट्राइकर की तरफ से वैसे अगर जो है 23 मैच खेले, 31 विकेट लिया, बहुत ही अच्छा है। फिर हेनरी थॉर्टन आते हैं, 6 मैच खेले, 15 विकेट लिया है, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ये इस समय ये बिग बैश के बिल्कुल छाए हुए बॉलर है। और ये जब ये टैली खत्म होगी, मैचेस खत्म होंगे, तो मोस्ट प्रॉबली हेनरी थॉर्टन ही जो है आपको ऊपर की तरफ टॉप पे बॉलरों में दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं जरा कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मेरे हिसाब से जो सेफ कैप्टन है वो होना चाहिए मैथ्यू शॉर्ट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हेड टू हेड और वेन्यू के रिकॉर्ड की वजह से। और फिर दूसरे कैप्टन हो सकते हैं आपके लिए मैथ्यू वेड। अब इन दोनों के सिवा अगर आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन प्रिफर करना चाहते हैं तो आप राशिद खान को भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जेक वेदराल्ड एक बहुत ही बड़ा रिस्क रहेगा, पर कंसीडर कर सकते हैं, क्रिसलिन फॉर्म में है, तो क्रिसलिन को भी वाइस कैप्टन आप कंसीडर कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फॉर्म्स। और बाकी तो थोड़ा किसी पे भी आप जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही, डार्सी शॉर्ट का हेड टू हेड बहुत अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा सा रिस्की प्लेयर रहेंगे एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। तो ये हो गई हमारी फिलहाल मैच नंबर 30 की, एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस हुबर्ट हरिकेन की बात। तो उम्मीद करते हैं आप इससे रिलेटेड टीम बना लेंगे, और इससे अगर जुड़ी कोई भी नई अपडेट आती, जैसे ये टीम न्यूज आई अभी, तो टीम न्यूज हमने इसमें बता दी वीडियो बनाने से पहले आ गई थी, पर अगर इससे जुड़ी कोई और अपडेट आती है तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और पहले कमेंट में भी पिन रहेगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीम जब आ जाएगी तो जो भी अपडेट है वो वहां पे हम डाल देंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं कल फिर एक नए मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद।